ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश की ओर। राजीव गांधी सेवा सदन पपरोला में कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कांगड़ा चंबा संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटें जीत कर आएगी। राजीव गांधी सेवा सदन पपरोला में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंडी से लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो बैजनाथ को भी मंडी हलके में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि तब कई दिग्गज नेता कांग्रेस में नहीं थे, इसी वजह से पपरोला कांग्रेस से बाहर रहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े पुराने लोगों को वापिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंडित संतराम का चुनाव में बहुत योगदान रहता था और कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती थी, तभी पार्टी मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि बैजनाथ का विकास व यहाँ का काम कांग्रेस पार्टी और पंडित संतराम की ही देन है। उन्होंने कहा कि पार्टी की पॉलिसी रही है कि जो काम करेगा और सबके हित को वही देखेगा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि बैजनाथ को वे अपना घर समझते हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल बहुत जल्द सबकी आंखों का काजल बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जोश, होश और सेवा करने की लगन भी है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के ही पवन काजल को एमपी पद के लिए चुना है। और मुझे खुशी होगी अगर बैजनाथ जो है सारे माता सब आवास में लौटी जो है उनको अपनाए तो उसे इनका मनोबल जो है और भी ज़्यादा मजबूत होगा और मेरे को प्रसन्नता होगी कि मेरे इलाका जिसको सेवा करने का मुझे मौका मिला था उन्होंने मेरी बात को माना। भाषण मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरा बड़ा स्नेह है बैजनाथ के साथ, तो अपना अपना क्षेत्र समझता हूँ। उसमें जोश भी है और होश भी है। कई लोगों में सिर्फ जोश ही जोश होता है, जवानी भी होश नहीं होता। उसमें जोश भी है, होश भी है, सेवा करने के लगन है और बहुत खूबी के साथ इनके कदम आगे को बढ़ रहे हैं। कांग्रेस हाई कमांड ने सोच समझ कर कांगड़े में कांगड़ा क्षेत्र हल्का है, इसके अंदर बहुत कैंडिडेट थे और हाई कमांड ने बहुत सोच समझ कर और पूर्ण दोष के आधार पर कई बातों को ध्यान में रखते हुए इनको चुना है एमपी के पद के लिए, जिसमें कांगड़ा और चंबा जो बहुत जल्दी ये सब आंखों पर कार्य होंगे। अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि आप चार बार भी जन्म लेंगे तो भी वीरभद्र का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह कभी अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करते हैं, अभी तो उन्हें जुम्मा जुम्मा 1.5 साल हुआ है और वीरभद्र सिंह पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने सीएम के उस बयान पर तंज कसा और कहा कि मैं बैठे बैठे निपट सकता हूं, बैठे बैठे तो सिर्फ वीरभद्र सिंह ही निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह राजनीति के भीष्म पितामह हैं, उन पर बयानबाजी करने से पहले मुख्यमंत्री को चार बार सोचना चाहिए कि वे अपनी कुर्सी की चिंता करें ना कि कांग्रेस पार्टी की। इस बार होते हैं या किशोरीलाल जी बाहर होते हैं ये समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने फैसला कर दिया कि 1/3 जो है औरतें जो है उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो इस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े कदम लिए और कांग्रेस ने जो कहा आपकी मन्नतें मांगने से कुछ नहीं होगा, मुकेश अग्निहोत्री को झेलना ही पड़ेगा, आपको ये झेलना पड़ेगा लगातार।
कभी आप कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। भाई आपने कांग्रेस के टिकट तय करने हैं, या तो आप जो है दो पोस्टें ले लो, मुख्यमंत्री भी बन जाओ, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी अपने पास ही ले लो। लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हमें लोगों ने प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया है, जो जो प्रदेश में नहीं होगा उसका उस बात को उठाने का काम हमारा है।